जय हिंद दोस्तों। साल 2020 तो मानो वायरसों का साल था। पहले कोरोना वायरस आया, सब घर में लुका गया। कुत्ता बिल्ली बाहर देख से देख के बोल रहा है, ये ससुराल आदमी लोग कहाँ गया, नगर निगम वाले उठा लेंगे क्या? मतलब इतना बुरा हाल था। अभी कोरोना वायरस जो है ये ख़त्म नहीं हुआ कि एक और वायरस आ गया इंटरनेट पे। बड़े बड़े साइबर अटैक्स होने शुरू हो गए, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया, उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर ले रहे हैं। दुकान उसमें कौन सा लड़का जो गाली देता है, कैरी मिनाटी, उनका सब अकाउंट हैक कर लिया। जब अकाउंट हैक किए ना तो मालूम पड़ा कि 1.5 लाख तरह का नया नया गाली मिली उनको निकलने को, ससुरा बहुत करी जाता है। तो इस तरह से ऐसे हैकिंग शुरू हो गए, साइबर अटैक्स होने शुरू हो गए। पर अब तक का सबसे मैसिव साइबर अटैक जो हुआ है वो है सोलर विंड हैक, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट तक को टारगेट कर लिया गया है। सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी इसके चपेटे में आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में ये रिपोर्ट किया है कि उनके ऊपर सोलर विंड हैक हुआ है, यूएस की गवर्नमेंट एजेंसीज पे भी हैक हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उनके जो सोर्स कोड फाइल्स हैं उसको एक्सेस कर लिया गया है काफ़ी हद तक हैकर्स के द्वारा। तो ये सोर्स कोड क्या होता है, ये सोलर विंड क्या है, उसमें कई सारे टर्म यूज़ होंगे, ओरियन और आपके सनबर्स्ट मालवेयर, ये सब क्या है, इसको एक आसान भाषा में बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर विंड की। तो जो सोलर विंड है ये कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है, इसको कहते हैं सोलर विंड। ओरियन क्या है, ओरियन एक सॉफ्टवेयर है। ओरियन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अब सनबर्स्ट मालवेयर क्या है, ये सनबर्स्ट मालवेयर वही मालवेयर है जिसने इस ओरियन सॉफ्टवेयर पे अटैक किया है। और जो जो लोग इसको यूज़ करते थे ना ओरियन सॉफ्टवेयर को, वो सब इससे अफेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं ये अभी तक क्लियर बताया नहीं गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद आप बात आती है एक फायर आई की, कंपनी के पर्सपेक्टिव में आएगी फायर आई। तो फायर आई एक ऐसी कंपनी है जो कि एक एंटीवायरस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब ये वायरस और मालवेयर से बचाती है। और फायर आई वो कंपनी है जिसने यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी को बताई है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हैकिंग हुई है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट है ये बोलती है कि हमारा सोर्स कोड एक्सेस किया गया है। सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड एक ऐसे कमांड्स का फाइल है जिससे कि किसी भी सॉफ्टवेयर की रचना की जाती है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो मेजर कमांड्स यूज किए जाते हैं जिससे कि सॉफ्टवेयर बन सके, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड एक्सेस। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक तरह से, ठीक है। मतलब अगर सोर्स कोड का अगर उनको मालूम पड़ जाए किसी भी तरह से कि ये सोर्स कोड क्या है किसी का, तो हम उस फाइल को कभी करप्ट कर सकते हैं या उसमें कोई भी बदलाव करके उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही चेंज कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एक आसान भाषा में समझिए, जैसे कि आपके घर में कोई पेट है, आपका कुत्ता है, उसका नाम है टॉमी। तो जब भी आप टॉमी बुलाते हैं तो वो कमांड एक्सेप्ट करता है और आपकी बात सुन के आपके पास आ जाता है। आपका फ्रेंड आपके घर पे आया, उसको नहीं पता उसका नाम क्या है, वो बुलाता रह जाएगा, वो कुछ सुनवा नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसको आपका सोर्स कोड मालूम पड़ गया, उसका कमांड मालूम पड़ गया, उसका नाम टॉमी है, जैसे ही उसने टॉमी बुलाया वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड करते ही उसके पास आ जाएगा, उसको तक काट भी ले, तो वो अलग बात है। तो एक तरह से सोर्स कोड उसके लिए क्या है, टॉमी है, मतलब उसका कमांड क्या है, जब तक वो टॉमी नहीं बोलेंगे तब तक वो सुनेगा नहीं। तो उसी तरह से हर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाने के लिए एक कमांड्स बनाने पड़ते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं जो कमांड्स की, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। अब बात करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो हैक हुआ है, सनबर्स्ट मालवेयर का हैक हुआ है, ये बेसिकली इसी के थ्रू हुआ है, सोलर विंड हैक के थ्रू। अब ओरियन सॉफ्टवेयर को इन्होंने हैक कर लिया। अब ओरियन सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट में भी यूज़ होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के भी उन्होंने प्रोग्राम्स को काफ़ी हद तक करप्ट कर लिया है, उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर लिया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि भैया हमारा सोर्स कोड एक्सेस हुआ है, इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है हैकर आगे, लेकिन अभी तक कोई भी कस्टमर का डेटा उसे मतलब करप्ट नहीं हुआ है, मतलब कस्टमर का डेटा जो है वो अभी तक सेफ है। तो अभी ये तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप ही समझिए माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी, पूरा वर्ल्ड उसका यूज़ कर रहा है। एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हैं, ठीक है, पेटीएम आपने अपने मोबाइल में ले रखा है, ठीक है, पेटीएम को आपने सारे एक्सेस दे रखे हैं कि वो आपका बैंक अकाउंट देख सकता है, आपके बैंक अकाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकता है, मतलब सारे एक्सेस आपने दे रखे हैं। अब किसी वायरस ने पेटीएम को हैक कर लिया, तो जब पेटीएम को उसने हैक कर लिया तो पेटीएम को जो जो यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही तो उसका भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वो आपके राइट्स हैं तो वो आपके फ़ोन को एक्सेस लेके आपका अकाउंट खाली कर देगा 2 मिनट में। तो मतलब ये एक तरह से सनबर्स्ट मालवेयर ने किया है, इसने ओरियन सॉफ्टवेयर को अटैक किया है, और ओरियन सॉफ्टवेयर यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज में भी यूज़ होती है और प्राइवेट एजेंसीज में भी यूज़ होती हैं। तो उस तरह से उनका जो फाइल्स हैं उसको भी काफ़ी हद तक उसने एक्सेस किया होगा। अभी तक तो खैर उन्होंने पुष्टि नहीं की है गवर्नमेंट ने कि हमारा कुछ एक्सेस हुआ है,
पर अभी तक इनका हैक हो गया है और ये बहुत ही मतलब सारा का सारा जो निशाना है वो बताया जा रहा है यूएस की गवर्नमेंट एजेंसीज पे। और माइक्रोसॉफ्ट में भी ये भी ऐसा कहा है कि ये कोई एक प्राइवेट हैकर का काम नहीं है, ये एक बहुत ही बड़े लेवल का हैकिंग है जो कि कोई नेशन स्टेट कर सकता है, मतलब नेशन एक्टर कर सकता है, मतलब किसी एक राष्ट्र का काम है। और सब कोई पॉइंट आउट कर रहा है कि इसमें रशिया का ही रोल है, क्योंकि रशिया ही इतना एडवांस है इतनी टेक्नोलॉजी में कि वही ऐसा काम कर सकता है। हालांकि रशिया ने इस बात को सीरियसली नकार दिया है कि हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है इसमें। पहले देखिए यही बात सामने आती है कि आज हमारा डेटा जो है वो बहुत ही खतरे में है। जो सिक्योरिटी सिस्टम बनाई गई है अब तक डेटा को सिक्योर करने के लिए वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। बड़े बड़े कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट जैसे आज वो सिक्योरिटी उसका क्रैक कर दे रहे हैं हैकर्स, तो इसका मतलब जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो अभी ज़रूरी हो गया कि जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है डेटा, और डेटा मिसलीड होना मतलब सब कुछ खत्म होना। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।